मतलब बेदरे से वही जर्नी रहे। अच्छा, एने उन्हें प्रयास कल के डॉक्टर फाक्टर लग, लेकिन नहीं भले। ओकर बाद हम लोग जान लिए लोग में चीज क्या जानू भाई। अच्छा, इसका जांच करवा लिया जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाए। अच्छा, ये हिजरा है तो उसका पति बार बार कहने ये महिला है। हाँ। हम बराबर से कहे थे। हाँ। ये जेंडर है, ये लालच में यहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा, तो बराबर से हम बोले थे। हाँ। कि इसका पति करा, दो बार बराबर से बोले कि नहीं महिला है। हाँ। हम कहने देख लेके ये हिजरनी छे, एक बार वो शादी कल के हिजरनी कना भाग ले जना ओकरा जनानी नहीं कहल जाए, मर्दाना कहल जाए। अच्छा, अगर बाल बच्चा नहीं हेतु। अच्छा, ये बात अहाँ सब कना जाने छे लोग में चीज क्या जानवे, मतलब वो महिला नहीं रही, जेंट्स नहीं है। नहीं। अच्छा, वो हिजरा है, महिला का पति करा था, फिर भी महिला है। महिला है। हाँ। लेकिन हम लोग बच्चा में इतना बड़ा देखे थे, तो उसको दो लुरी था। हाँ। उसका कुमारखंड में ऑपरेशन कराया गया था। अच्छा। और उसके बाद सिर्फ उसको पेशाब होता था। अच्छा। कहीं नली हो गया, पेशाब सिर्फ होता था, और कोई नहीं था उसके पास। अच्छा। मधेपुरा जिले के शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत हम बसंतपुर गाँव के वार्ड नंबर 13 में मौजूद है। यहाँ पे एक बड़ा ही दुखद घटना सामने निकल के आया है। कल शाम में बताया जा रहा है कि एक महिला का जो है यहाँ पे बैठी हुई थी महिला इस मचान पे, और उसको जो है 3 फायर उसके शरीर पे किया गया, और कहीं ना कहीं यहीं पे उनका दर्दनाक हो जाता है। उसके बाद प्रशासन के लोगों को सूचना मिलती है, यहाँ से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और पोस्टमार्टम करने के बाद बॉडी इस वक्त उसके घर पर मौजूद है। हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे और यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर घटना क्यों हुई और घटना को किसने अंजाम दिया, क्यों इस घटना को किया गया है। आइए देखिए, यहाँ पर सारे ग्रामीण लोग दिखाइए, इधर सारे ग्रामीण लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी घटना बहुत ही दर्दनाक है। बताया जा रहा है कि उस महिला के पति को जो है पुलिस के द्वारा अभी गिरफ्तार किया गया पूछताछ के लिए। बाकी आगे की जानकारी हम यहाँ के ग्रामीणों से ही लेंगे। अच्छा बाबा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर ये बगल हुआ। अच्छा, आप तो सबसे नज़दीक इसके घर के हैं। नज़दीक है। हाँ, कैसे क्या घटना हुआ आपको कुछ पता चला? 7 बजे शाम की बात है। अच्छा। या उससे 2-4-5 मिनट इधर उधर हो जी, हमारा घर यहीं था जी। तो जब आवाज़ हुआ तो मेरा यहाँ कोई नहीं परिवार का सदस्य, हम अकेले यहाँ रहते, मेरा भाई लोग परियारी में रहता है। अच्छा, जमीन है तो यहाँ रहते हैं हिसाब के तौर पर। तो आवाज़ हुआ तो हम दरवाजा का गेट है वहाँ से देखने लगे किधर आवाज़ हो रहा है। हम सोचते परिवार का जो है प्रकार फूटे थे दिवाली के समय से, फिर भी हम इधर टहल के जैसे आते हैं तो देखे एक आदमी को उधर से भागते हुए जाते हैं। अच्छा, वो पैदल भाग रहा था। हाँ, पैदल भाग रहा था। जब दरवाजे पर आए तो उसका पति दरवाजे पर था। अच्छा, पति दरवाजे पर। हाँ, पति दरवाजे पर था। हम उससे पूछना चाहे कि कहाँ आवाज़ हुआ, तो हम पूछे ना कि आवाज़ किधर हुआ, तो तब जाकर के उसको उठन उठन सुतल किया था। तब उठवा ला लेते हे राधा का मार दिल के मार दिल के ताज है सबको रामचंद्र आल के जतने टोल के सब आवाज़ सुन के देखा दौड़ के लिए। यह बात थी। और चावल के डगरा जे पर है तो वैसे पहले महिला लाबिक कतौ से रखल मांग के तो पति डराम जाकर उठा के रखि दिल्कि ठीक ने, वह पर खून के धब्बा लागल रहे। अच्छा, वो महिला जब चावल रहे कुछ और तो उठा कर नहीं रखना चाहिए। हाँ। तो पुलिस का ओकरा ओठा जे डेरा में रखलकै कि चावल यहाँ कौन रखा, कहलकै हम ही रखे सर। ओकर बाद पोस्टमार्टम में लै गए बराबर कि जत दुकान में सेवै ले गए ओतौ पुछलकै तो कहलकै नहीं हम सेवै यहाँ नहीं था, दुकान से चला गया। लेकिन हम जब आए थे तो उसके पति को दरवाजा पर देखे थे। अच्छा, ठीक ना। अब उसके आगे क्या घटना घटित हुआ, कैसे हुआ, ये हम नहीं जानते। यानी कि ये कहा जा सकता है कि साजिश में कहीं कहीं पति का हाथ है? नहीं, ये बात हम भी नहीं कह सकते हैं। जब हम आंख से नहीं देखे तो हम नहीं बताएंगे। नहीं, जिस तरह से आप बता रहे हैं बाबा, जिस समय घटना हुआ वो हल्ला नहीं किया, वो चिल्लाया नहीं, जब आप आए सामने तब वो कह रहा है मेरे पति को पत्नी को मार दिया। वही जान मचान के नजदीक गया, हे उठन खाए कर भग ने। अच्छा, तब कह मार दिल के ऐसे वो बात कर रहा है। यानी कि लोगों को आने का इंतजार कर रहा था कि कोई लोग आएंगे तो उसके सामने हम बोलेंगे हल्ला करेंगे। हाँ। तब सब आदमी दौड़ के आया है। हाँ। और कोई बात नहीं है, इससे आगे हम कुछ नहीं जानते। मेरा घर एकांत में है, हम बस सुबह उठे पूजा करने बाबा के हर सोमवार जाते हैं, और फिर अभी आए तो बड़ा वो सब आए हमसे भेंट नहीं हुआ कि कोई बात का जानकारी होता। अब तो पुलिस अनुसंधान में ही असलियत का पता चलेगा। हम यही चाहेंगे अपराधी को सजा मिले, ऐसी निर्मम हत्या करने वाले को, चाहे हम हो चाहे आप हो। अच्छा, सही बात। सजा मिलनी चाहिए कि समाज में दोबारा ऐसी कोई दहशत पैदा न करे। ठीक। बाबा क्या नाम हो आपका? जगदीश यादव। घर यही है? हाँ, बगले में। अच्छा, आपको क्या पता चला यहाँ पे? जो कुछ लोग तो ऑफ कैमरा बता रहे हैं कि पति का यहाँ था, लेकिन लोग स्पष्ट रूप से सामने नहीं बताना चाह रहे हैं कैमरा के सामने, क्या कहेंगे? ओकर जैसे पहले शादी एते भले। अच्छा, शादी के बाद जैसे से वो ओते ओकर बाद फिर कलक एक देख लेके ये हिजरनी छे, एक बार वो शादी कल के हिजरनी कना भाग ले जना ओकरा जनानी नहीं कहल जाए, मर्दाना कहल जाए। अच्छा, अगरा बाल बच्चा नहीं हेतु। अच्छा, ये बात अहाँ सब कना जाने छे लोग में चीज क्या जानवे, मतलब वो महिला नहीं रही, जेंट्स नहीं रही? नहीं। अच्छा, वो हिजरा है महिला। अच्छा, हाँ। ओकर बाद जैसे से अठा से शादी है के बाद 6 महीना साल भर के बाद वो तो शादी कर लेते। अच्छा अच्छा, वो में 5 गो क्या गो बाल बच्चा? 4 गो 4 गो बाल बच्चा।
ओकर बाद जे छै से शाम में जे छै से घटना जे भेलै हम तऽ नहि रहियै लेकिन 7 बजे शाम में घटना भेलै, लेकिन लोग से सब बोलै छै जे मतलब मिर्जावा वाला के हक छै, सब बोलै छै। हाँ, आब जे सही बात है, पुलिस तो पकड़ के लै गेलै ओकरा। हाँ, पुलिस पकड़ के लै गेलै ओकरा, बंद के देल के। अच्छा, एगो बात कह बाबा कि यहाँ पर जब वो महिला हिजरा रहे, नहीं वो जेंट्स रहिए, नहीं लेडीज रहिए, तो फिर शादी ओकरा से करे के तो कोनो लोभे नहीं थे। शादी करे के लोभ एते तो जमीन रहे। अच्छा, ओते तो जमीन रहे ने। हाँ, एते तो जमीन के लालच में नहीं रह गेले। हाँ, लालच तो जमीन रहे। हाँ, एहि खातिर जैसे से ओकरा एने ओने करे रहे। हाँ, ओकर बाद जैसे से ओ घटना कहिए देलकै। अच्छा, ई बात कब तोरा आरके पता चलल कि ओ महिला जे छै हिजरा रहिए? ई शादी से पहले तो आके जाने रहक, शादी के बाद जानल? मतलब बेदरे से ऊ हिजर नहीं रहे। अच्छा, एने ओने प्रयास कलके डॉक्टर फाक्टर लग, लेकिन ऊ नहीं भेले। ओकर बाद हमरो आरके जान लिए, लोग में छै किया जानबे। हां, बिल्कुल। तो ओकर बाद जान लिए हमरा आरके जे हिजर नहीं छै। ओ शादी है के बाद ओते जे छै से मतलब फिर ब्याह कलके तो बाल बच्चा में भेले, एमे तो नहीं भेले। ओ पहला शादी ऊ जेंस के कते भेले? कते। अच्छा, एकर बाद ओते जे छै से सब शादी कलके, दोसर शादी कलके। हां, बड़ा एक बात सामने निकल के आया है कि यहाँ जो महिला जो बताया जा रहा है, ये महिला नहीं थी, ये कहीं ना कहीं ना ही जेंट्स थी और ना ही लेडीज थी। ये क्या कहा जाए उसको, कॉमन मैन उसको बोला जाए, जनरल इसको जो है इसमें जो है बताया जाए, वैसे देहाती भाषा में हम लोग हिजरा उसको बोलते हैं, लेकिन ये बात पहले से शायद लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि वो महिला जो है ना जेंट्स थी और ना लेडीज थी। जेंडर है। अच्छा, इसका जांच करवा लिया जाए, उसके बाद पोस्टमार्टम करवाया जाए। अच्छा, ये हिजरा है तो उसका पति बार बार कहे नहीं महिला है। हाँ, हम बराबर से कहे थे। हाँ, ये जेंडर है, ये लालच में यहाँ पड़ा हुआ था। अच्छा, तो बराबर से बोले थे कि इसका पति करा, दो बार बराबर से बोले कि नहीं महिला है। हम कहे नहीं, ये जेंडर है। उसका पति करा था फिर भी महिला है? महिला है, लेकिन हम लोग बच्चा में इतना बड़ा देखे थे तो उसको दो लुरी था। उसका कुमारखंड में ऑपरेशन कराया गया था। अच्छा, और उसके बाद सिर्फ उसको पेशाब होता था। अच्छा, कहीं नली हो गया, पेशाब सिर्फ होता था, और कोई नहीं था उसके पास। अच्छा, विकल्प। अच्छा, चंद्रमोहन शाह ना, चंद्रमोहन शाह की पहली शादी यहाँ पे हुई थी, उसके बाद जब उनको पता चला तो उसके बाद जो है वो दूसरी शादी किए, और उसमें जो 4 बच्चे हैं, यहाँ तो बच्चा होने का कोई संभावना ही नहीं था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे रहने का एक ही मकसद था उनको कि यहाँ पे इसका जो है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी उनके नाम से था, उनके माता पिता भाई कोई थे नहीं, बच्चा तो होना था नहीं, बाकी जमीन के लोभ में यहाँ पे पड़े हुए थे, और उनको लगा कि अब मेरा जो है काम लगभग पूर्ण होने वाला है। तो यहाँ के कुछ लोगों का कहना है, ऑफ कैमरा बता रहे हैं कि उसका जो है पति ही इस घटना को अंजाम किसी के मार्फत दिलवाए हैं, बाकी प्रशासन को सही तरीके से जांच करनी चाहिए इस घटना के विषय में, जो भी दोषी है उनको सख्त सजा मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि इस महिला का जो शादी हुआ है उसके पति का क्या नाम है? चंद्रमोहन शाह। इसका प्रॉपर घर कहाँ है? मिर्जाबा। अच्छा, दो शादी किया है ये? दो शादी। हाँ, हाँ। ये महिला जो अभी जिनका डेथ हुआ है, हाँ, उसके पास कोई नहीं है? कोई नहीं है सर। हाँ, उसका माता पिता एक्सपायर कर गया, बस केवल पति ये है, उसको बच्चा उच्चा कुछ नहीं है। अच्छा, इसको मारने का क्या वजह हो सकता है? अब सर वो तो आप ही सब पता लगा सकते हैं, जो क्या वजह है हम तो नहीं जानते हैं। रायबीर के मुखिया प्रतिनिधि प्रभास जी और सह राजद विधायक चंद्रहास सोपाल जी के भाई भी हैं, आइए सर इनसे हम जानकारी लेते हैं, कब यहाँ पे आए, आपको कैसे जानकारी मिली? जी नमस्कार, हमको तो सुबह में जो है बड़ा बाबू जो है फ़ोन किए थे कि आपके रायबीर में घटना हो गए हैं, उसके बाद जो है हम बोले हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तब उसके बाद छानबीन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है। अच्छा, यहाँ पे जब आप आए हैं, इस पंचायत के आप मुखिया प्रतिनिधि भी हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत हुई, आपको क्या लगता है इस मर्डर में किसका हाथ हो सकता है? अब देखिए, हकीकत तो अब नहीं बता सकते हैं, और भविष्य में क्या हो सकता है ये तो एक ऊपर वाला जान सकता है, या जाँच का विषय है, प्रशासन मतलब इसको जान सकते हैं छानबीन के द्वारा। अब हकीकत क्या है वो तो पुलिस ही जानेंगे ताल पड़ताल के बाद, बाकी यहाँ पे अगर प्रशासन सही तरीके से जांच करे तो सच्चाई सामने निकल के जरूर आएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के विषय में कमेंट में जरूर बताइएगा। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।